सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में कि राहु का जब राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को मेष राशि में होगा और केतु का तुला राशि में होगा तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि राहु के जो मेष राशि की वीडियो है वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आज हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए बात करेंगे कि राहु का राशि परिवर्तन जो 12 अप्रैल से हो रहा है सुबह 10:36 पर और ये 28 नवंबर 2023 तक यहीं रहेंगे। लगभग 18 माह राहु का जो एक समय होता है एक राशि में ठहरने का, और राहु जो मेष राशि में आएगा केतु तुला राशि में आ रहे हैं। इससे पहले जो है राहु वृषभ राशि में थे और केतु वृश्चिक राशि में, क्योंकि राहु और केतु जो है हमेशा एक दूसरे से आमने सामने ही बैठते हैं और ये एक राशि में 18 माह लगभग रुकते हैं। साथ ही ये दोनों ग्रह जो है एक पापी ग्रह है और हमेशा वक्री अवस्था में ही किसी भी कुंडली में गोचर करते हैं। राहु को एक मायावी ग्रह कहा गया है, ये कठोर वाणी के कारक हैं। शेयर बाजार, लॉटरी सट्टे, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, महामारी, राजनीति, षड्यंत्र के देवता है आदि के कारक कहा गया है, क्योंकि राजनीति पर इनका प्रभाव रहता है। ये छाया ग्रह हैं और हमेशा ही जो वक्री अवस्था से चलते हैं। अंधविश्वास, जुआ, नशा, बुरी लत, भ्रम के ग्रह हैं। दुख, रोग, शोक आदि के कारक भी इन्हें कहा गया है। हालांकि अगर बात इनकी बाजार में करें तो तकनीकी के प्रभावशाली ग्रह हैं, अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा और बुरा असर दोनों प्रकार से डालते हैं। यदि मित्र राशि में है अच्छे ग्रह से देखे जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, और यदि किसी शत्रु राशि में है तो दिक्कत करेगी। तो बात आज हम करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए राहु क्या परिणाम देंगे। देखिए बात ये करते हैं वृषभ लग्न राशि की, तो इनके जो है 12वें स्थान में राहु रहेंगे तो, और यहाँ पर राहु रहेगा तो इस समय वृषभ राशि वालों को यात्राएं अधिक होगी, विदेश यात्रा में इन्हें सफलता हासिल होगी। यदि कहीं दूर देश जाने की सोच रहे हैं या कहीं जॉब को लेकर जगह बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए जो है बेहद उत्तम रहेगा, मगर इस समय जो है नुकसान आपको काफ़ी अधिक होगा, हानि होगी लेकिन लाभ कम होगा और खर्चे अधिक होंगे। हालांकि बाहरी क्षेत्र से कुछ आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा जिससे आप खुश रहेंगे, बाहरी क्षेत्र की यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। और साथ ही इनकी बात करें तीन दृष्टि की, क्योंकि राहु जो है जहाँ बैठता है उसके अलावा तीन दृष्टि से भी अपना प्रभाव रखता है, तो जो पांचवी दृष्टि है इनकी वो जो है आपके चौथे भाव पर पड़ रही है जिसके कारण आपके सुखों में कुछ कमी कर सकता है। भाग दौड़ आपकी अधिक रहेगी और इस समय जो है माता से भी जो है कुछ बैर आपका हो सकता है, माता की तबीयत खराब रह सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, इस समय जो है आपको लेन देन करने से, प्रॉपर्टी को लेन देन करने या मकान खरीदने से बचना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कोई वाहन आपका खरीद हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, यदि आप इस समय कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे भी टाल दें, क्योंकि नया वाहन खरीदने से नुकसान हो सकता है चोट का खतरा बना रहे। बाद इनकी सातवीं दृष्टि की करें जो कि आपके छठ स्थान में पड़ रही है, और तो ये समय ठीक है क्योंकि कहीं कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें जो है सफलता आपको हासिल करेंगे। इस समय अगर कोई रिजल्ट आएगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई पॉजिटिव सूचना आपको मिलेगी। इस समय आपके कुछ रोग समाप्त हो गए, कई दिनों से जिस रोग से आपको परेशानी थी या कोई रोग आपको शरीर को जो तंग कर रहा था तो वो रोग भी आपका शरीर का समाप्त होगा। शादी इस समय यदि कोई शत्रु गुप्त शत्रु हालांकि आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे मगर वो आपको ज़्यादा अधिक नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि राहु और उसके सामने केतु जो काफ़ी बलवान है, तो इसलिए राहु केतु बलवान होते हैं, शत्रु जो है आप पर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे और आपका जो
कर्ज काफ़ी समय से चला आ रहा था, अब वो भी समाप्त होगा। और ये समाप्त होगा तो आपका जो है टेंशन भी समाप्त होगी। और इनकी नौवीं दृष्टि की बात करें जो कि आठ स्थान पर है, आपके कार्यों में जो है अड़चने बनी रहेगी, बीच बीच में आपके जो है कार्यों में रुकावट आती रहेगी जिसके कारण आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना या चोट या दुर्घटना से आपको भय है, कोई चोट आपको लग सकती है, तो इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ा बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। और बात यदि केतु की करें, केतु आपके जो छठे स्थान में रहेंगे तो केतु यहाँ होने से जो है रोग समाप्त हो गए और कुछ कर्जा जो है आपका वो भी समाप्त होगा, साथ ही किसी कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको सफलता मिल सकती है। और इसी स्थान पर जो है राहु की सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है जहाँ केतु पहले से ही विद्यमान है, तो ये समय अच्छा रहेगा वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए। और बाद ये केतु की पांचवी दृष्टि की करें, क्योंकि इनकी भी तीन दृष्टि है, तो पांचवी दृष्टि से आपके जो है कैरियर स्थान को देख रहे हैं तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा इस समय जो है। हालांकि पिता से कुछ बैर आपका हो सकता है, मगर कैरियर आपका उत्तम है, कहीं व्यापार के लिए सोच रहे हैं तो व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापार को लेकर जो है कुछ परेशानियाँ आपकी अब समाप्त होगी। साथ ही हालांकि पिता से अनबन आपकी हो सकती है, तो पिता के साथ थोड़े संबंध मधुर रखें, बोलते समय ध्यान रखें, अपनी वाणी पर विराम दें, लेकिन जॉब को लेकर आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी, कहीं जॉब बदलने की सोच रहे तो वो काम आपका अब हो जाएगा। और इनकी सारी दृष्टि की बात करें तो राहु पर पड़ रही है, जहाँ राहु पहले से ही बारह घरों के विराजमान हैं, तो इस समय जो यात्रा आपकी होगी, यात्रा को लेकर आप कहीं जा सकते हैं, हो सकता है किसी अदर स्टेट में या बाहरी क्षेत्र में आपको जाना पड़े नौकरी को लेकर या अपने काम को लेकर, या व्यापार से जुड़ी हुई यात्रा आपकी हो सकती है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। हालांकि नुकसान थोड़ा ज़्यादा होगा इस टाइम, खर्चा आपका बढ़ा रहेगा और लाभ कम ही आपको होगा। और केतु की नौवीं दृष्टि की बात करें तो आपकी जो है धन स्थान पर पड़ रही है, इस समय आपका जो खर्च ज़्यादा होगा धन, और धन का संचय कम होगा, खर्चा अधिक बढ़ा रहेगा, साथ ही परिवार को लेकर कुछ आपका परिवार वालों से विवाद हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा वाणी पर संयम रखें बोलते समय, क्योंकि वाणी पर संयम रखने से आपका काम सही रहेगा, थोड़ा धैर्य से काम लें, किसी को भी कुछ ना कहें, नहीं तो बात ख़राब हो सकती है। तो ये था राहु और केतु का फलादेश वृषभ राशि और लग्न के लिए, जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारियाँ आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।